हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू होप यू आर सेफ एट योर होम्स आई एम आल्सो ओके लेट्स स्टार्ट रीडिंग लेसन सेकंड फ्रॉम इंग्लिश टेक्स्ट बुक द नेम ऑफ द लेसन इज़ हैरीज काइट हैरीज हैरी के बाद पोस्ट ऑफियस है इसका मतलब होता है हैरी की पतंग लेट्स स्टार्ट हैरी द रैबिट लुक्ड आउट ऑफ हिस विंडो इट वॉज अ ब्यूटिफुल सनी डे देयर वॉज अ सॉफ्ट ब्रीज जस्ट नाइस फॉर मी टू फ्लाई माई काइट ही थाट हैरी जो है एक रेबिट का नाम है एक रेबिट को जिसे हमने इस लेसन में हैरी का नाम दिया है लुक्ड आउट ऑफ हिस विंडो वो अपनी खिड़की से बाहर देख रहा है इट वॉज अ ब्यूटिफुल सनी डे उस दिन क्या था बहुत ही अच्छा दोपहर का दिन था धूप निकली हुई थी देयर वॉज अ सॉफ्ट ब्रीज और उस दिन हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी जस्ट नाइस फॉर मी टू फ्लाई माई काइट ही थॉट अब हैरी जो रैबिट है उसके मन में विचार आया ये बहुत अच्छा है कि अच्छी हवा चल रही है मेरी पतंग उड़ाने के लिए हैरी क्विकली गॉड ट्रस्ट अब हैरी ने जल्दी से क्या किया कपड़े पहने ड्रेस्ड मीन्स कपड़े पहने ही रैन टू द फील्ड नियर हिज हाउस उसके घर के पास एक फील्ड एक खाली जगह थी वहां भाग कर चला गया ही कैरिट हिज ब्राइट काइट विद हीट होता है एक जगह से हम किसी चीज़ को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं टेक वन थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ब्राइट होता है शाइनिंग बहुत चमक चमकना वो अपनी चमकती हुई पतंग को अपने घर से लेकर फील्ड में चला गया टर्न द पेज हैरी लेट हिज काइट अप इन द एयर अब हैरी ने क्या किया हवा में अपनी पतंग को उड़ाना शुरू किया अ लिटल एट अ टाइम कुछ ही देर में सोन द काइट वॉज हाई इन द स्काई जल्दी ही क्या हुआ आकाश में स्काई में उसकी पतंग ऊपर जाने लगी हैरी डिड नॉट नोटिस दैट हिज काइट वॉज फ्लाइंग बिट टू क्लोज टू द टॉप ऑफ द ट्रीज हैरी डिड नॉट पे अटेंशन नोटिस मीज ध्यान नहीं दिया नौट नौट उसने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी जो काइट है वो इतनी ऊपर चली गई है कि जो पेड़ है उसके टॉप के शिखर के ट्रीज के बिल्कुल टॉप के ऊपर पास चली गई है इन काइट गॉट इन ब्रांचेस ऑफ अ ट्री अब जल्दी ही क्या हुआ कॉट मी ट्रैप्ड फंस जाना पकड़े जाना अब शॉर्ट वाइल इन अ शॉर्ट वाइल अब जल्दी ही क्या हुआ जो पेड़ की ब्रांचेस थी तने थे उसमें उसकी काट जो है वो पकड़ी गई फंस गई हैरी बिगेन टू क्राई अब हैरी ने चिल्लाना शुरू कर दिया रैपिड ने चिल्लाना शुरू कर दिया अस्कर वॉज प्लेइंग ऑन दैट ट्री स्कर एक एनिमल है जो कि पेड़ के या खुली जगह पर रहती है बुशी इनकी टेल होती है गिलहरी बोलते हैं इसे गिलहरी जो है उस पेड़ के पास खेल रही थी इट सो हैरी क्राइंग अब उसने देखा कि हैरी तो चिल्ला रहा है इट् सैड डोंट क्राई हैरी वो क्या कहने लगी चिल्लाओ मत हैरी गलेरी जो है वो रैबिट को कहने लगी चिल्लाओ मत चिल्लाओ मत आई विल क्लाइम अप टू दैट ब्रांच एंड सेट योर काइट फ्री कि मैं तुम्हारी जो उस ब्रांच है जहाँ तुम्हारी काइट फंस गई है वहाँ जाऊँगी और तुम्हारी काइट को वहाँ से छुड़ा दूंगी आजाद करवा दूँगी मुक्त करा दूँगी द स्कर्ल क्लाइंट अप टू द काइट अब जो है स्कर्ल है ग्लैरियर वो तो चढ़ गई पहुँच गई काइट के पास इट सेट हैरी काइट फ्री अब उसने वहाँ से उसकी पतंग जो है वो छुड़ा दी हैरी वॉज हैप्पी टू गेट ही काइट बैक अब हैरी जो रैबिट है वो तो बहुत खुश हुआ अपनी पतंग को वापस लेकर ही वॉकड होम अब वो अपने घर पर वापिस चला आया ही वॉज केयरफुल नेवर टू फ्लाई हिस्काइट नियर अ ट्री अगेन केयरफुल मीन्स टुक केयर अब उसने आगे से ध्यान रखा कि वो पेड़ के पास जाकर कभी भी पतंग नहीं उड़ाएगा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग लेसन होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल थैंक यू स्टे सेफ स्टे होम